नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल किचन सेफ मास्टर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोया कटहल बिरयानी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना इसे शुरू करें। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें पहले सोयाबीन फ्राई कर लेते हैं। सोयाबीन फ्राई हो गया और इसी सोयाबीन के साथ डाल देंगे ये कटहल। कटहल हमारा उबाला हुआ है, थोड़ा सा हम इसे उबाल लिए थे और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। सोयाबीन फ्राई हो गया है, अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे निकाल देंगे गैस पर हम, और कुकर को गर्म होने देंगे। तब तक हम अपने मसाले की तैयारी करेंगे। बॉल ले लिए हैं, बॉल में हम एक चम्मच दही डाल देंगे। हमें इसी के साथ मसाले को मिक्स करना है। इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर प्याज है, दो प्याज को हम मोटा मोटा काट लिए थे, और चार हरी मिर्चे हैं। इन सारी चीज़ों को पहले हम मिक्स कर देंगे और इसमें जाएगा मेरा ये कटहल और सोयाबीन। इन दोनों को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। मिक्स हो गई है, अब हम चलते हैं कुकर की ओर। गर्म हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें दो चम्मच के करीबन तेल। तेल गर्म होने देंगे। गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे तेजपत्ता, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे, दो हरी इलायची डाल देंगे और चार लौंग डाल देंगे। इतनी चीज़ों को हम पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। पक गया है, अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये भी पक गया है, अब हम इसमें डाल देंगे सोया और कटहल जो हम मिक्स करके रखे थे। इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और इसे हम मिक्स कर देते हैं। में हम डाल देंगे एक गिलास चावल, एक गिलास चावल लिए हैं तो एक गिलास पानी डाल देंगे। देखिए दोस्तों, इतनी चीजें डालने के बाद हम देंगे इसमें देसी घी दो चम्मच। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा क्योंकि हम कोई खर्च नहीं किए हैं बिरयानी में। बहुत ही सस्ती बिरयानी हमारी बन रही है तो हम इसमें देसी घी जरूर डालेंगे, इससे स्वाद अच्छा हो जाएगा। और कुकर को बंद कर देंगे एक सीटी के लिए। तो देखिए दोस्तों, कुकर हम बंद कर दिए हैं, एक सीटी आने तक इसे हम पकने देंगे। फिर हम आप लोगों को निकाल कर दिखाएंगे कि मेरी बिरयानी कैसी बनी है। तो देखिए, एक सीटी हो गया है और कुकर को हम ठंडी होने दिए हैं। अब हम इसे खोलेंगे तो देखिए मेरी बिरयानी कितनी अच्छी बनी है। चावल भी पक गए एक ही बर्तन में, सारे काम हो गए। तो देखिए, अब हम आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। इस तरह से अब हम इसे सर्व कर देंगे। बिरयानी सर्व करने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये बिरयानी की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।